राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान पहुंचने वाली है, लेकिन उसके पहले ही राजस्थान कांग्रेस टूटने लगी है। वजह ये कि 5 साल के लिए मिली सत्ता के 4 साल कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े को निपटाने में गंवा दिए। बारी चुनावों की है तो कांग्रेस के नेताओं के हाथ पांव फूलने लगे हैं कि वोट के लिए जनता के पास किस आधार पर जाएंगे। इस वजह से अब नेता कांग्रेस से किनारा करने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयदीप डूडी और पूर्व मंत्री राजकुमार रणवा ने इस्तीफा देकर कांग्रेस को तगड़ा झटका दे दिया। वजह ये कि सरदार शहर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। इसके ठीक पहले इन नेताओं के इस्तीफे से कांग्रेस में खलबली मच गई है। बीजेपी में शामिल होते ही जयदीप डूडी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि कुर्सी के लिए सीएम गहलोत और पायलट के बीच चल रही लड़ाई में कांग्रेस उलझ कर रह गई है। इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी में आया हूँ। जयदीप डूडी ने कहा कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही आपसी लड़ाई में पार्टी और राज्य की जनता का काफी नुकसान हुआ है। मेरा संबंध न गहलोत गुट से था न पायलट कैंप से है। मेरा संबंध मेरे क्षेत्र भादरा की जनता और कार्यकर्ताओं से है, जिसकी पिछले 4 साल से अनदेखी की जा रही है। यहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी तक नहीं मिल रहा। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था भी चौपट है। जयदीप डूडी और पूर्व मंत्री राजकुमार रणवा सरदार शहर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। जयदीप डूडी पूर्व संसदीय सचिव हैं, जबकि रणवा वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में मंत्री थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट न मिलने पर राजकुमार रणवा बागी हो गए। इस पर पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। रणवा ने चूरू की रतनगढ़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ा। बाद में 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान 5 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को होगी, जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अनिल शर्मा और बीजेपी ने अशोक पींचा को उम्मीदवार बनाया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।